What's up guys, जैसा कि आपको वीडियो टाइटल देखकर पता चल गया होगा, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं अपनी YouTube की वीडियोस को कैसे शूट करता हूँ और दिखाने वाला हूँ कि कैसे मेरी वीडियोस में यूज होती है लाइटनिंग माइक ट्राइपॉड फोन लैपटॉप और ये बैकग्राउंड। तो आप लोग भी अभी इस रेड डॉट को देखना बंद करो और बिना किसी देरी के लेट्स जंप इनटू द वीडियो। और गाइज ये है ट्राइपॉड और जहाँ पर अभी लगा हुआ है कैमरा, यहाँ पर मैं लगाता हूँ अपना फ़ोन और वहाँ पर खड़ा होता हूँ, जैसे कि आप बैकग्राउंड देख सकते हो। और जब कभी मुझे अपने छोटे ट्राइपॉड की ज़रूरत होती है तो मैं इसको भी यूज़ करता हूँ। और ट्राइपॉड के जस्ट साइड में रखा हुआ है ये लैपी, जहाँ पर मैं लगाता हूँ अपना माइक और साइड में खड़ा होता हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी चल रही है इसी वीडियो की जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और गाइज जब मैं अपना फ़ोन यहाँ पर लगा देता हूँ बिल्कुल इसी पोजीशन में और वहाँ पर खड़ा होता हूँ, तो मैं नहीं देख सकता हूँ कि फ़ोन में क्या रिकॉर्डिंग हो रही है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सामने रखा हुआ है ये मिरर, आप देख सकते हैं मिरर में दिस इज़ द ट्राइपॉड एंड द कैमरा। तो मैं यहाँ वहाँ पर खड़ा होकर इसके थ्रू देखता हूँ कि क्या मैं कैमरे में आ रहा हूँ सही। और गाइज मैं आपको टेस्ट के लिए दिखाता हूँ, यहाँ पर आता है मेरा फ़ोन और नीचे रखा हुआ है वहाँ पर मिरर, और जब मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो मैं अपने आप को देखता हूँ उस मिरर में। एज यू कैन सी वहाँ पर हम अभी कैमरा देख सकते हैं, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन, क्योंकि जब मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है देखना कि मैं फ़ोन में अभी क्या रिकॉर्ड हो रहा है। तो वहाँ पर मैं अच्छे से देख के अपने आप को रिकॉर्ड करता हूँ। सो या दिस इज़ इट फ्रॉम ट्राइपॉड एंड माइक पार्ट। और गाइज अब आता है लाइटनिंग पार्ट। तो मेरे रूम में यहाँ पर लाइट आती है इस विंडो से, उस डोर से, और यहाँ पर है रूम में दो लाइट्स। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ये वाली विंडोज़ को कर देता हूँ बंद, क्योंकि अगर मैं इन्हें ओपन करूँगा तो यहाँ से ज़्यादा ही लाइट आएगी और मेरे फेस पे केवल एक ही साइड ज़्यादा लाइट दिखाई देगी, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो गाइज इसलिए मैं ये विंडोज़ को रखता हूँ बंद और ये वाली लाइट भी कर देता हूँ बंद, केवल वही वाली लाइट रहती है ऑन, ताकि वहाँ से लाइट आए और थोड़ी सनलाइट आए इधर से, क्योंकि सनलाइट का जो इफेक्ट होता है वो फेस पर काफ़ी अच्छा निकल के आता है। और गाइज अगर मैं बिल्कुल ही ऐसा कर दूंगा कि यहाँ पर मैं ये पूरे कर्टन्स लगा दूंगा और विंडो से कोई भी लाइट नहीं आएगी, फिर भले ही चाहे मैं ये दोनों वाली लाइट ऑन कर लूँ, तो आपको दिखाई देगा कि मेरे फेस पे एक आ रहा है आर्टिफिशियल जैसा इफेक्ट, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और गाइस साइड से लाइट आती है इधर से, राइट साइड से आती है उस लाइट से, और जो ये डोर है इससे भी मेरे फेस पे थोड़ी लाइट आती है, जिससे कि वो थोड़ा अच्छा ग्लो होता है। और गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि विंडो पर जो ये मैंने पेपर लगाया हुआ है इसका क्या यूज है। तो इसके दो यूज हैं। सबसे पहला यूज, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि है कॉम, तो मैं जब भी यहाँ पर खड़ा होकर अपनी वीडियोस को करता हूँ शूट, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ अपने आपको मिरर में क्या मेरे बाल सही हैं। और गाइस सेकंड इसका यूज है, जब मैं यहाँ पर खड़े होकर बनाता हूँ अपनी वीडियोस, तो जो लाइट यहाँ से नीचे से आ सकती है मेरी नेक पर, वो ये आने से रोकता है। एंड या दिस वॉज ऑल फ्रॉम द लाइटनिंग पार्ट। एंड फाइनली दिस बैकग्राउंड पार्ट, गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पोस्टर्स। तो सबसे पहले आप देखो इनका एक बी-रोल सिनेमैटिक। और गाइस मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि वो बी-रोल सिनेमैटिक कैसा लगा। और एक और चीज़ जो कि आप मेरे फ्रेम में देखते हैं वो है ये प्लांट, जो कि मैंने रखा हुआ है यहाँ पर विंडो पर, जो कि वीडियो में देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। सो या दिस इज़ इट फ्रॉम द बैकग्राउंड पार्ट। ओके गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और नीचे वाली वीडियो मेरी सबसे रिसेंट अपलोड उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वन, सब्सक्राइब एंड बाय।